है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। में आज आप लोगों को बताऊंगा आप एक सिंपल सा ऑटोमेटिक दोस्तों बाथटब कैसे बना सकते हैं, ऑटोमेटिक लावा डोर। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और दोस्तों दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, बस दोस्तों आप वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को जो दोस्तों डिस्पेंसर लेने हैं, 8 डिस्पेंसर लेने हैं। अब जैसे दोस्तों मैं डिस्पेंसर लगा रहा हूँ, आपको दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही 8 डिस्पेंसर को लगा देना है। तो 8 डिस्पेंसर लगाने के बाद दोस्तों अब आपको इन आटों में एक एक वाटर बकेट रखना। सिर्फ दोस्तों एक एक वाटर बकेट ही आप आटों में रखना, क्योंकि दोस्तों सिंपल आपको एक ही वाटर बकेट रखनी है। तो ये काम आप दोस्तों फटाफट कर दिए। दोस्तों ये करने के बाद अब आपको लेना है दोस्तों स्टेयर्स। आप दोस्तों कोई सी भी तरीके की स्टेयर्स, तो जो वाइट वाली स्टेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे, इसलिए वाइट ही लेना। और दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है कि एक बाथ टब जैसे डिज़ाइन में आ जाए। अब आपको दोस्तों बाथ टब की थोड़ी ऊपर ही एक लीवर लगाना है दोस्तों, ऊपर वाले ब्लॉक में, और लीवर के जस्ट पीछे आपको एक ब्लॉक रखना है, उस पर रेड स्टोन डस्ट लगानी है। और दोस्तों उसी रेड स्टोन की वायरिंग को आपको पीछे की तरफ ले जानी है, आपने आपके 8 डिस्पेंसर लगाए थे। और दोस्तों फिर आपको ज़रूरत रहेगी रेड स्टोन रिपीटर की, तो दोस्तों आपको रेड स्टोन रिपीटर यहाँ पे प्ले रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे रेड स्टोन से इसको कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों आपका जो है बाथटब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आपको इसको भर देना है। आप चाहो तो दोस्तों पीछे का भी ग्लास से भर सकते हो। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ दो एक मिनट का काम था दोस्तों। आपका जो है बाथटब तैयार हो गया। और दोस्तों ऐसे ही जो लावा डोर है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो उसको मैं बताऊंगा। पहले आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो कितना सिंपल तरीके से हमने काम कर रहा है। अब दोस्तों सिंपल नेक्स्ट पे आता है लावा डोर डिज़ाइन। तो दोस्तों लावा डोर डिज़ाइन में आपको बताता हूँ, तो आपको 3-3 ब्लॉक हाइट रखनी है दोस्तों, 3, और फिर आपको 2 ब्लॉक बीच में छोड़ने, फिर वापस दोस्तों आपको 3 ब्लॉक ऊपर और 3 ब्लॉक दोस्तों एसी लगाने, 3-3 ब्लॉक 3x3 की दोस्तों आपको वॉल खड़ी करनी है 2, और बीच में 2 ब्लॉक की आपकी जगह रहनी चाहिए। उसके बाद आपको आगे और पीछे दोनों तरफ दोस्तों आपको लगा देना है साइन बोर्ड, क्योंकि दोस्तों लावा है ना आगे जाए ना पीछे जाए। दोस्तों साइन बोर्ड से जो है लावा ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, इसलिए आपको साइन बोर्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप साइन बोर्ड डिज़ाइन लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे भी अच्छे तरीके के वैसे ब्लॉक प्लेस कर देने हैं अब यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्पेंसर, दोनों के बीच में आपको डिस्पेंसर प्लेस करने हैं। और उसे इन डिस्पेंसर में आपको रख देना है लावा बकेट। दोनों डिस्पेंसर में लावा बकेट आपको रख देना है। अब दोस्तों आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बस रेडस्टोन वायरिंग लगेगी। तो दोनों तरफ आप 3-3 ब्लॉक पर रेडस्टोन लगा देना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एक दोस्तों लीवर खींचते ही आपका जो काम हो जाएगा, आपको लीवर लगा देना है कोई से भी कोने पे, ऊपर के कोई से भी कोने पे लीवर लगाते से दोस्तों आपका काम जो हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों कितना आसान था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान था। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि जो है काम बहुत जल्दी करने लगा, कितना आसान काम था दोस्तों। तो अब मैं आपको पीछे की तरफ भी आपको जो है एक लीवर लगा देना है, बहुत ज़रूरी दोस्तों। पीछे की साइड भी एक लीवर लगाना, क्योंकि दोस्तों पूरी चीज़ ऊपर लिखी आ रही है, आप लोग कभी समझ में ना आए तो ऊपर पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हमने दोनों कर दिया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, जो लोग चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई सी वीडियो देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाय।